हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो क्लास टेंथ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तुम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं और 2 महीने बाद जो है आप लोग जो है अपने बोर्ड एग्जाम्स की कॉपीज़ को लिख रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और साथ ही साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को करना ही करना है, हर एक टॉपर उसको करता है, सारी चीज़ों को आप लोगों के साथ डिटेल्ड में डिस्कस करूंगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है दैट इज़ आपका जो रूटीन है, जो आपका प्रॉपर रूटीन है, आपके 2 महीनों के लिए आपके पास हर दिन प्रॉपर रूटीन होना चाहिए। तो आप लोग सोकर के जब उठते हो तो आप लोगों ने क्या कर रखा हो, आप लोगों ने अपने डे को प्रॉपर तरीके से प्लान कर रखा हो। अगर आप लोग जो है प्रॉपर तरीके से अपनी प्लानिंग करोगे तो जो भी तुम लोगों का सिलेबस बचा हुआ है या अगर तुम लोगों ने अभी उतने अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं करी है तो 5 से 6 घंटे डेली स्टडी करके भी 2 महीने में उस सिलेबस को कंप्लीट किया जा सकता है, अगर आप लोगों का जो है डेली रूटीन चल रहा है। इसमें ये नहीं करना है कि एक दिन 5-6 घंटे पढ़ लिया और दूसरे दिन फिर आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो। पढ़ना डेली है, भले ही आप लोग 4 घंटे पढ़ो लेकिन कंटिन्यूटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आपको 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये निकल के आती है कि आप लोगों ने कितना सिलेबस अभी तक कंप्लीट कर रखा है और कितना सिलेबस अभी आपको करना बाकी है, यह आप लोग क्या करोगे, एक A4 शीट में नोट करके रखोगे, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप लोग क्या करने वाले हो, अपने 5 से 6 घंटे की जो स्टडी है आपका रूटीन उसको फॉलो करने वाले हो, क्योंकि आपको इन्हीं 5-6 घंटे में जो है 5 सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो आप लोगों को क्या करना है, एक जगह पे नोट करके रखना है कि कितना सिलेबस कर लिया है और कितना सिलेबस अभी मुझे करना बाकी है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो, आप लोगों ने सपोज कर लो साइंस में 13 चैप्टर्स आ रहे हैं क्लास टेंथ के बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोगों ने 8 चैप्टर अगर पढ़ रखे हैं तो आपको उसको प्रॉपर तरीके से बार बार रिवाइज करना है। जितने टाइम्स आप रिवाइज करोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी एंड आपको अच्छी तरीके से पता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे तो बड़े आसानी से जो है आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। बोर्ड एग्जाम्स में 100% चांसेस हैं जिस चैप्टर को आपने ज़्यादा रिवाइज कर रखा होगा वहाँ के क्वेश्चंस को आप लोग बहुत जल्दी बना लोगे। तो आपका रिवीजन होना कंपलसरी है, अगर आप लोगों ने सब कुछ पढ़ रखा है तो रिवीजन स्टार्ट कर दो, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पाओगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आती है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो उनको ये आइडिया नहीं होता है कि कौन से चैप्टर से ज्यादा मार्क्स का आ रहा है, कौन से चैप्टर से कम मार्क्स का आ रहा है। तो यहाँ पे वो मिस्टेक क्या करते हैं कि कभी कभी ऐसे चैप्टर्स जिनसे कम मार्क्स का आता है उसको वो ज्यादा टाइम देते हैं। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है, आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना है चीज़ों को। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं सबसे पहले आपको उसको पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब ये है जहां से बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाने वाला है, सबसे पहले आपको उनको कंप्लीट करना है। एक बार जब आप लोगों ने उसको कंप्लीट कर लिया देन आपको जो है ऐसे चैप्टर्स को उठाना है जिनसे कम मार्क्स का आ रहा है, क्योंकि अगर आप लोगों को जो है पूरे मार्क्स को लेकर आना है तो आपको सारे चैप्टर्स को पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आती है कि जब आप इतनी सारी चीजें करते चले आ रहे हो तो लास्ट 10 ईयर्स के पेपर आपको सॉल्व करना कंपलसरी है। अगर आप लोग लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को भी लगा लेते हो तो जो 5 से 10% चांसेस हैं कि आपके पूरे मार्क्स नहीं आएंगे वो भी फिनिश हो जाता है। तो ये सारी चीजें अगर आप लोग फॉलो करते हो तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज्यादा मार्क्स को सिक्योर करोगे। अब देखो, जब तुम लोगों ने लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लगा लिए तो तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को सैंपल पेपर लगाने, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता है ना, आप लोगों को ये नहीं पता है कि आप उस 3 घंटे के पेपर में पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे। तो उससे पहले आप लोग क्या करोगे, अपने आप को तैयार करोगे, और तैयार कब करोगे, जब सैंपल पेपर को प्रैक्टिस करोगे। तो एटलीस्ट हर एक सब्जेक्ट के 5-5 सैंपल पेपर लगाने हैं और कोशिश करना है कि 2.5 घंटे के अंदर आप अपने पूरे पेपर को कंप्लीट कर दो। और इस बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्योंकि 39 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वहाँ पे एग्जाम लेंदी होने के चांसेस हैं
और पेपर छूटने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो प्लीज आप लोग जो है सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करके जाना, अदरवाइज जो है पेपर बोर्ड में छोड़ करके आओगे। ठीक है, प्रैक्टिस जरूर कर लेना सैंपल पेपर की, 3 घंटे कोना पकड़ लेना और वहां पे बैठ करके पूरा पूरा प्रैक्टिस पेपर लगाना और चेक करना कि मैंने कितने सही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। इससे क्या होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब देखिए, जैसे जैसे तुम लोगों के एग्जाम्स जो है नजदीक आते हैं, वैसे वैसे तुम लोगों को क्या लगता है, डर लगने लगता है। तो उस डर को खत्म करने के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो, हमेशा जो है ऐसे स्टूडेंट्स के साथ रहो जो मोटिवेटेड हो, जो हमेशा पढ़ाई के बारे में बातें ना करें। ठीक है, जब भी तुम लोगों को एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा हो तो चुपचाप सो जाओ, जा करके रेस्ट करो प्रॉपर तरीके से, बॉडी को जो है ज़्यादा थकाओ मत। कोशिश करो कि अपने आप को सेफ रख सको, बीमार नहीं होना है इस टाइम में। ठीक है, अगर बीमार हो जाओगे तो आपकी जो है 10 से 15 दिन ऐसे ही खराब हो जाएंगे और ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम है। तो प्लीज़ आप लोग जो है जो भी आप लोगों की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे खेलने जाते हो तो ऐसा कोई भी गेम नहीं खेलना है जिससे आपको इंजरी हो सकती है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर चोट लग गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को भी आप लोगों को जो है बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। तो अगर तुम लोग जो है इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हुए चलते हो तो बड़े आसानी से बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स को सिक्योर कर सकते हो। अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स को आप लोगों को अपने माइंड में बैठा के रखना है कि अगर बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ये सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। सो आई होप आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फ्रेंड्स के साथ अपने वीडियो को शेयर कर देना। किसी भी तरीके की अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो, मैं उसके रिगार्डिंग आप लोगों के लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉयिंग।